हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? ठीक है बेटा, ठीक है। तो आज मॉर्निंग में मैं गई थी हॉस्पिटल और मेरा तो पैर में फ्रैक्चर नहीं है, तो कुछ वगैरह आ रखी है, बट मैंने अपना गर्दन का भी एक्सरे करवाया था, तो मेरे को काफ़ी टाइम से पेन चल रहा था। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 2 महीने तो हो ही है कि मुझे कंटिन्यूसली पेन हो रहा था, हर 1-2 दिन छोड़ के। जैसे मैं ज़्यादा काम करती थी या ज़्यादा खड़ी रहती थी, तो मैंने चेकअप करवाया तो सर्वाइकल आया है, तो उसकी भी मेडिसिन चल रही है। और अब देखो, क्योंकि दर्द तो बहुत है, बट हो जाए वो ठीक, क्योंकि अगर ये बढ़ गया ना ज़्यादा तो पूरी लाइफ टाइम की प्रॉब्लम है। तो यही अपडेट है मेरी हेल्थ पे, एंड ज़्यादा मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत कर ही रही हूँ, क्योंकि और कौन ही करेगा, है ना। तो अभी शाम को वैसे चलो प्रहान, और क्या चाहिए, मैं पी रही हूँ अभी अपनी ग्रीन टी। एंड हमने कल दीप को बोला था, बगल में जो दी है कुसुम दी, अब आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा कि उनके हाथ की मैक्रोनी बहुत सिंपल होती है, तो मुझे बहुत पसंद है और सभी को पसंद है। और क्या चाहिए प्राण? इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं देती हूँ, ठीक है? आप मेरे बहुत पीछे पड़ जाते हो बार बार। एक ट्रॉफी दे दी थी ना मैंने आपको, बार बार क्यों चाहिए? लास्ट, ठीक है, इसके बाद मैं नहीं दूंगी। एक मिनट, मैं इससे पहले एक ट्रॉफी दे देती हूँ। जाओ जाओ, अपने फ्रेंड को भी शेयर करना, ओके? तो प्रकाश मेरी काफी हेल्प कर रहे हैं, और कल रात भी उन्होंने ही खाना बनाया था, तो वो काफी, क्योंकि और बाहर इतने सारे कपड़े हो रखे थे, पूरी मशीन फुल थी, वो सारे कपड़े भी उन्होंने धोए। भले ही मशीन में धोने थे, पर उसमें भी बहुत टाइम लगता है, फिर सुखाने डालो, बहुत टाइम तो लगता ही है। वो सारा कुछ भी वही कर रहे हैं, बट हमने दी को कल बोला था कि आप कल कुछ खिलाओगे, क्योंकि हम कल तो बहुत लेट हो गई थी, तो हमारा मन था, तो कल तो दीदी बना नहीं पाई, तो मैंने कहा चलो आप मैक्रोनी बना लो, तो दी के पास तो थी नहीं, तो मैक्रोनी दे दी मैंने, और अभी दीदी उसे बना रही हैं, तो हम चलते हैं बगल में और खा कर आते हैं। चलो वैसे मैं पहले अपनी ग्रीन टी पी लेती हूँ और उसके बाद चलते हैं कि क्या अपडेट है मैक्रोनी पे। क्या कर रहे हो? अदु को दिया आपने? हाँ, अदु के साथ शेयर किया? शेयर करो अदु के साथ, अदु को भी दो, खा लो अदु, खा लो। वेरी गुड प्राण, वेरी गुड कुसुम। ओहो दीदी, तो बिल्कुल कपड़े वपड़े, पहली बार उसने प्रहान शेयर कर रहा है। देख लिया मैंने, उसके मुंह में डाल रहा हूँ। बॉयल हो गई? कम नहीं, तू कम खाना, ठीक है? मैं ज़्यादा खाऊंगी, ऐसा नहीं कि तू ज़्यादा खाना है, इतनी मोटी हो जाएगी। नहीं नहीं, तुझे नहीं लगना चाहिए, तेरी फिटनेस खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तू बड़े ही भैंस हो जा। कोई बात नहीं, तू तेरी फिटनेस ठीक रहनी चाहिए। ओवर कुक भी मत करियो, देख वो नहीं हुई यार। हो गई यार, ये देख। हाँ वैसे ये ज्यादा फूलती नहीं है ना। हो गई हो गई। प्रहान दे दे। अरे इसको तो, उसको भी शेयर करो प्रहान, अब मैं दोबारा नहीं जा सकती। अदु अभी मैक्रोनी खाएंगे। प्रहान अपने दोस्त के साथ शेयर करो, अदु को दे दो। दे दो, तेरा है, पर अदु को दे दे, अभी तक कैसे दे रहे थे, वैसे ही दे दो। ये चाहिए उसको, अंडे चाहिए, अंडे। मैं कब से बोल रही थी दीदी को खाली ट्रे संभाल दे। बहन ये ट्रे आज की नहीं है, इसको 1 साल हो गया रखे रखे, फ्रिज के ऊपर रखी हुई थी दीदी ने। अब ठंडियों में मच्छर भगाने के काम आएगी। हाँ सर्दियों में यहाँ बहुत मच्छर हो जाएंगे, है ना दीदी? इतना ही रगड़ो बाथरूम, हमारा पेट चूहे दौड़ रहा है हमारे। आज ही बाथरूम पूरा साफ कर दोगे क्या? हाँ इस बाथरूम में अगर थोड़ा भी पानी हो ना, हाँ ये तो है, इसीलिए मैं भी वाइपर मारती रहती हूँ बार बार। दीदी हम आपके ग्रैंड तो नहीं लग रखे, हम आपके ग्रैंड तो नहीं लग रखे। तुम तो तब तक हम परमानेंट ग्रैंड हो चुके हैं, अब हम कभी कभी नहीं दिखते, हम रोज। तुम रोज देख,
ये आ गई है हमारी शेफ दीदी। दीदी अच्छी बनाना, जखिया भी डालना जैसे आप बनाते हो। पर दीदी तो बहुत कम है, आपके तो कोने के लिए भी नहीं होगा। दीदी तुम खाइए ना। मैं पेट मार लूंगी, आप और पेट मारोगे, ऐसा हो सकता है। बट कुसुम ये वैसी बीन्स नहीं है, इट्स अ लोकल बीन्स, गांव से आई है, मुझे किसी ने दी। दीदी ये छेमी है, बीन्स भी नहीं है, ये छेमी है, ये दो चार छान के लाई, अच्छी होती है वो। अभी तक तो दीदी ये कह रही मुझे भी अब एक चैनल बनाना पड़ेगा। अभी मेरे को शर्म आती है ना, इसमें ट्रॉफी खोल दे यार प्लीज यार, बोलने में नहीं, कैमरे में आने में। तुझे देख के तो कैमरा शर्म आ जाए। इतनी बेकार हूँ मैं। अब तो कॉम्प्लीमेंट में ले ले, अब किसी भी चीज में ले ले। इतनी बेकार हो गया। मैं घुमा लूं, मैंने यार मुझे क्या पता था दूसरा ले आती हूँ, पर तू जा नहीं रही उधर, या फिर फाड़ दे उसको। अरे मैं तो नहीं खाएंगे, अभी हो जाएगी उसे, तब फाड़ती हूँ। चलो लहसुन, ये मेरी बहन भी बोलती है एक रात तो खुला ही रहो, टाइम ही किसको मिला सपोर्ट करने का। भूख गया क्या बहन? अच्छा आप इतना ब्राउन करते हो प्याज, ओके okay. अब टमाटर गलने के लिए जाएगा नमक, हो गया। चलो भूख लग रही है बहुत। ये क्या है, कसूरी मेथी, चलो हल्दी पाउडर, ये कौन सा है सब्जी मसाला, हाँ मिर्ची नहीं डालनी, मिर्ची डालो, मिर्ची, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी भी डाल। मेरी कसूरी मेथी में सीलन आ गई, पर अभी तक नहीं खाई मैंने वो, मेरे को पता ही नहीं है उसे डालते किस में। बाद में भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल। ओके सीख ले, हाँ खड़ी हो, नहीं सीखना। तो क्या बनाने वाली है अब नेक्स्ट? गोल मटन, चिकन मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी पूछने का। गाइस नमक भी डालें जो कि हमने नहीं डाला था, डाला था पहले, डालो, भूख भी लग रही बहुत तेज। इतने उससे बनाओ, इसके वीडियो के चक्कर में बनाएंगे तो हम रात को 11-12 बजे तक खाएंगे। वीडियो कुछ कर ही नहीं हो तो चल रहा है कैमरा क्यों दीदी? दीदी वेट कर रही ना, रुक रुक मसाला। दीदी को पता है क्यों दीदी? पूरी रेसिपी शूट होनी चाहिए ना, बहुत सारे लोग देखते हैं उनको अच्छा लगता है, वो भी बनाएंगे। हम यहीं से सीखेंगे गाइस, हमें यहाँ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हमने लाइफ काफी हो गई यार, दिख कम लग रही थी पर इना फैन ना। बस इसको गाइस बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और दीदी बन गई ना ये, दीदी एक ऐसे कर दो। दीदी का नुस्खा है, इसमें थोड़ा सा लास्ट में ऊपर से दीदी घी डालती है, जिससे कि खुशबू और टेस्ट बढ़ जाता है ना दीदी? यस। और बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रही है देखो, टेम्पटिंग लग रही ना बहुत। दीदी रहा नहीं जा रहा, मेरा कटोरा पहले आ गया। इसमें प्रहान को देंगे, उसे नमकीन खाई है ना इसमें। तो मैं इसमें खा लूंगी, वैसे भी ड्रेन तो होगा नहीं कुछ भी, नहीं मैं इसमें खा लूंगी इसको, दो चल।
यार कुसुम सच में क्या बोल रही थी कुसुम? अरे मन उतना ही हिस्सा लग पाएगा है ना, मुझे इसमें ही दे दो ना, वो गंदी थी ये प्राण का, इसमें इतने बर्तन का, अरे इतने ज्यादा बर्तन मत करो यार, इतनी इज्जत मत दो इस कुसुम को, प्राण के लिए उसमें ही डाल देना ठीक, मेरे लिए इसमें डाल दो फिर। अरे पास्ता ला रही हूँ इसे का। कुसुम को ज्यादा मत दे देना। अदु के लिए तो ले ले एक छोटी कटोरी। अरे बच्चों के लिए वैसा वाला लेते हैं जिसमें जल्दी ठंडा हो जाएगा प्लेट। अरे खाएंगे कौन सा तुरंत, इतनी देर में खाएंगे वो। हाँ लो इसको बैठो पीछे बैठो, तुमने बिस्किट ऐसे क्यों गिरा दिए बेटा, ऐसे नहीं करते हैं ना, आपने खाया है। चलो वहाँ पे मामा भी आई। आओ मेरा पैर, बैठ भी नहीं पा रही हूँ। ना ना खाओ थोड़ा सा मचा है दीदी, इससे ले लो। नहीं नहीं बहुत 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 ज़्यादा। नहीं है गरम वो अदू का है आपका, सबसे बड़ा बर्तन वो वाली चम्मच चाहिए। मुझे भी आपका ऐसी वाला पसंद आता है, ऐसा कुछ मुझे भी ऐसी लगता। तो पहले बार मैंने दीदी खाती मैं, तो आ रहा ना थोड़ा घी का स्वाद, मुझे परसों खिलाई थी मुझे बहुत पसंद आई। प्राण क्या कर रहे थे आप, उसको टोपी बना रहे थे? पहनाओ फिर से टोपी, पहनाओ आदु तो भाग गया अब। इधर देखो ये बिस्कुट वैसे डॉक्टर साहब आराम से नंगू देखना। अच्छा अच्छा बंधन पेटी कर रहा है, कैसे बोलना चाह रहा है तू? नीचे सोएगा मतलब? हाँ इसको नीचे भेज दो। प्रकाश जी बहुत दिक्कत कर रहा है, कुछ नहीं है सच में, इसमें सांस ही नहीं आ रही पैर को। चल नीचे आ जा, इसमें नहीं सो पाऊंगी मैं। चल नीचे सोने रविंद्र अंकल के साथ, अब्दुल के पापा के साथ सोएगा। हाँ इसको छोड़। सॉरी बोलो, करोगे ऐसे उल्टे काम? नहीं। चलो चड्डी पहनो फिर, जाओ चड्डी पहनो, जाओ जाओ चड्डी पहनो। बंधन ने पहना है पर तुम कब पहनोगे? बंदर को पहना रहा है प्राण। बंद फिर इसको नीचे छोड़ दो, रविंद्र अंकल के पास छोड़ दो इसे। तो उठो तुम पहनो चड्डी, बंदर को नहीं। बिगड़ैल कौन है? बिगड़ैल बंधन हाँ। आप हो बिगड़ैल, इतना परेशान क्यों कर रहे हो? चुपचाप सही से पहनो ना, जान के करता है ये तुम्हें परेशान। ला बंधन मेरा बेटा है, प्यारा बेटा। मारूं क्यों, मेरा प्यारा बच्चा है बंदर। चलो सोएंगे अब, गुड नाइट करो प्राण, गुड नाइट। बाय गाइस, गुड नाइट, कल मिलूंगी आपको एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।